मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में बुर्ज हमल वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के जायके से। बुर्ज हमल वाले लोगों का जो जायका इस महीने नज़र आ रहा है, उसमें बच्चों की सेहत के हवाले से आपने मोहतात रहना है। बच्चों की सेहत के हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तालीमी मामलात में आपने बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके लिए हर्डल्स पैदा होती नज़र आ रही हैं। और लव मैटर के अंदर महबूब के साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, यानी इन एरिया में आपने एहतियात करनी है और इसके आपको फिर मस्बत नतीजे मिलेंगे। आपकी लाइफ के अंदर कोई नया आदमी दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आपकी तन्हाई ख़त्म होती नज़र आ रही है। बैरून मुल्क सफ़र करना आपके लिए बेहतर रहेगा और इमिग्रेशन के हवाले से भी आपके लिए अच्छा टाइम चल रहा है। शादी की अगर बात करें तो ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई अक्टूबर के महीने में, उनकी शादी, निकाह, मंगनी, इस तरह के इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी महीने के अंदर लव मैरिज के लिए बेहतरीन टाइम चल रहा है। वो अफराद जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो इस महीने में कोशिश करें, इंशाल्लाह उनकी लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। कारोबार में तरक्की के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों का कारोबार मसाइल में की निशानदेही हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं कारोबार में, उनको कारोबार में बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और अगर जो लोग नया काम शुरू करना चाहें वो इस महीने में शुरू कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा नया कारोबार करना, भाई से तरक्की साबित होगा। और अगर वो शराकत करना चाहते हैं तो इस महीने में शराकत करना भी उनके लिए बहुत ही बेहतर नज़र आता है। अगर मैं माली मामलात की बात करूँ तो माली मामलात आपके अच्छे रहेंगे, यानी आपको गेन होगा, आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। ये वो तमाम बातें जो जायके में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। और जो बातें नेगेटिव होती हैं आप उनसे बच सकते हैं, बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।